हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लर्न विद दीतिमन। ये वीडियो जो है उन स्टूडेंट के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण रहने वाला है जिन्होंने वीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 170,000 पदों पर जो वैकेंसी निकली है यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म डाले हैं। क्योंकि यहाँ पर जैसे ही जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि यहाँ पर बीएड वाले प्राथमिक से जो है वो बाहर कर दिए गए हैं, फैसला बीटीसी या बीएसटीसी हम कहें इनके हाथों में जो है वो चला गया है, यही प्राथमिक में जो है योग्य माने गए हैं। ऐसे में स्टूडेंट के माइंड में ये चीज आ चुकी है कि हमें जो है वो एग्जाम जो है वो नहीं देना चाहिए क्योंकि अब कोई फायदा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है 9 महीने बाद जो आया है, बहुत सोच समझ कर जो है वो निकाला गया है ये फैसला। तो अब जो है इस फैसले को जो सबको मानना होगा। ये कोई ऐसा फैसला तो नहीं होता है जैसे राज्य सरकार जो है वो अपनी बात पर जो है वो पलट जाती है और दोबारा से फिर बयान दे देती है, ये ऐसा नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अहम होता है जिसको सभी को जो है वो मानना चाहिए। तो यहाँ पर बीएड वालों के सामने ये चीज आ गई है कि अब एडमिट कार्ड जो आ गए हैं, एडमिट कार्ड में भी कुछ मिस्टेक है तो उसके लिए भी नोटिफिकेशन आ गया है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पर जब पूरी तैयारी हो चुकी है, एडमिट कार्ड भी आ गए हैं, अब जो है वो एग्जाम देने जाएं या नहीं जाएं क्योंकि हमें तो बाहर कर दिया गया है प्राथमिक से। तो ऐसे में स्टूडेंट को मैं यही कहना चाहूंगी कि एग्जाम देने जो है वो आप जरूर जाएं, आपकी जो है वो मेहनत है। जीके जीएस का पार्ट जो है वो हर एग्जाम में वही होता है, आपके और भी आगे जो एग्जाम होंगे वहां पर काम आएगा। यहाँ पर आपका एक एक्सपीरियंस भी जो है वो आप लोगों को मिलेगा। साथ में अगर कोई नया नोटिस राज्य की तरफ से निकल कर आता है, मान लो अब अगर आप एग्जाम देने ना जाएं और उसके बाद ये कहा जाए कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स जो है वो आप लोगों को जो है वो करना है और उसके बाद जो है इस शिक्षक भर्ती में आप शामिल हो सकते हैं, तब ऐसी कंडीशन में वो स्टूडेंट जो है वो उनको पछताने के अलावा जो है उनके सामने कोई भी रास्ता नहीं रह जाएगा। वो सोचेंगे हमने मेहनत भी की थी, काश हम ये काम कर लेते। कोई भी कंडीशन हो सकती है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है वो आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फीस आप भर चुके हैं, तैयारी आपकी है ही, तो ऐसे में जो है आपको एग्जाम देने जरूर जाना चाहिए। यहाँ पर जो है वीपीएससी चेयरमैन का जो नया ट्वीट है, इन्होंने जो ट्वीट किया कि एज ऑफ नाउ देयर इज नीदर एनी स्टे ऑन टीआरई नॉर एनी प्लान टू स्टे इट, यानी एग्जाम किसी भी कंडीशन में रद्द नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से जो भी इनकी प्लानिंग की गई है एग्जाम की, वो सारी जो है वो होगी। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि जो आवश्यक सूचना आई है एडमिट कार्ड को लेकर। एडमिट कार्ड जो है बच्चे डाउनलोड कर रहे थे तो बहुत सारी जो है वो मिस्टेक देखने को मिली। तो यहाँ पर जो है लिखा गया है, उक्त परीक्षा के लिए दिनांक 10/8/2023 से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। तो यहाँ पर जो है ई एडमिट कार्ड में फोटो अपलोड करते समय गलत फोटो, अतः ऐसे अभ्यर्थियों को गलत फोटो एडिट कर सही फोटो दोबारा अपलोड करने के लिए अंतिम अवसर जो है प्रदान करते हुए आयोग के डैशबोर्ड पर दिनांक 18 अगस्त से 20 अगस्त तक एक लिंक जो है वो दिया जाएगा। उक्त तिथि के बाद किसी तरह का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये चीज इन्होंने बता दी है, 18 अगस्त से 20 अगस्त तक जो है वो आप लोगों को जो है वो एक लिंक दिया जाएगा और उसके बाद जो है वो आप लोग सही जो एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड कर पाएंगे। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट जो है www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध घोषणा पत्र को पूर्ण रूप से भरकर उनके निर्दिष्ट स्थान पर किसी राजपत्रित पदाधिकारी से अभी प्रमाणित रंगीन फोटो चिपकाएं और निर्दिष्ट स्थान पर अपना हस्ताक्षर हिंदी और अंग्रेजी में करें। ये उन स्टूडेंट के लिए है जिनके एडमिट कार्ड में जो है वो समस्या आई है, ठीक है। तो आप लोगों को जो है वो बिल्कुल चेक करना होगा, ये जो है इसकी मेन वेबसाइट है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। अभी जो ये नोटिस आया है ये आप देख रहे हैं 12/8/2023 इम्पोर्टेंट नोटिस, ये यहाँ पर जो आया है, ठीक है। आपके एडमिट कार्ड जो है वो जैसे ही सही हो जाते हैं तो यहीं पर जो है वो आप लोगों को अगली जो नोटिस है एडमिट कार्ड से संबंधित वो देखने को यहां पर मिलेगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।